से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं मोर देन ब्लू का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर के एंड डैड हॉस्पिटलाइज होते हैं। तभी के को होश आता है, वो उठता है। तभी डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम उठ गए। के कहता है मेरे डैड कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं वे अभी बेहोश है, उनके पास कुछ ही टाइम बचे हुए हैं। के यह सुनकर बहुत ज्यादा शौक होता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रेजेंट टाइम में पोहान को दिखाते हैं, वह स्लीपिंग पिल्स को निकालता है। तभी उसे मेन म्यूजिक प्रोड्यूसर का कॉल आता है, उसका नाम होता है एलिन। वो कॉल को पिक कर वो पोहान को बहुत ज्यादा फोर्स करती है और कहती है मुझे वही सॉन्ग चाहिए टाइटल ट्रैक के लिए, क्योंकि वह सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा है, वह सॉन्ग लोगों के दिल को छू सकता है। फिर पोहान कॉल को कट कर वह फिर स्लीपिंग पिल्स को लेकर सो जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन में फोटोग्राफर सिंडी ने ये चीज पर कंप्लेन कर दिया होता है। ये चीज अपनी एक्सप्लेनेशन देती है और कहती है मैं मानती हूँ मैं वहाँ पर चोरी से गई थी, पर मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया है, आप चाहे इनसे पूछ सकते हैं। तभी पुलिस लेडी सिंडी से पूछती है कि आपका कोई सामान गायब है। सिंडी कहती है नहीं। फिर ये चीज कहती है मैंने कहा है कि मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। फिर दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी ये चीज कहती है मैं वहाँ से बस किसी बिलोंगिंग चीज को ढूंढने आई थी और वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें यीची के बेटे अपने पॉकेट मनी लेकर पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है प्लीज मेरी बहन को छोड़ दे। एक्चुअली गाइस, यीची अपनी मॉम को सिस्टर बोलता है, इसका क्या रीजन है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पर पोहान आता है, वो कहता है मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। फिर पुलिस दोनों से नाम पूछती है, दोनों बताते हैं आन यीची। केले हैरान होता है यह सुन के। नेक्स्ट सीन में पोहान उस फोटोग्राफर सिंडी से सॉरी बोलता है और कहता है आपका जो कुछ भी मिसिंग है मैं उनके लिए पे कर दूंगा। फिर वो माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पोहान भी जाने लगता है और तभी वो कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। यीची कहती है मैं तो वहाँ बस कॉपीराइट के लिए गई थी। फिर पोहान उससे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट दिन में पोहान अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है दवाई के कारण। तभी कार में यीची और उसका बेटा आकर बैठ जाता है। तभी पोहान कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ मिला कॉपीराइट ट्रांसफर के बारे में। यीची कहती है मुझे वहाँ पर की डायरी मिली है। फ्लैशबैक में यीची ने पहले ही की डायरी को अपने बैग में रख लिया था। प्रेजेंट में पोहान कहता है तो तुमने चोरी की। यीची कहती है ये की डायरी है, इसमें हमें जरूर कॉपीराइट के बारे में पता चलेगा। फिर यीची कहती है क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी। तभी यीची जब पोहान को देखती है वो दवाई की वजह से सो जाता है। फिर उसे जगाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट दिन में यीची और उसका बेटा पोहान को खींचकर उस रूम तक ले जाता है। दोनों मिलकर पेट में उसे फेंक देते हैं। केले कहता है यीची तुम्हारा बॉस काफी भैवी है। फिर केले वहाँ से चला जाता है। तब यीची पोहान के शूज निकालती है, फिर वो भी उसके ऊपर चादर फेंक कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यीची बैठ के डायरी के नेक्स्ट पेज को पढ़ती है। ये कहता है जब मैं उस दिन हॉस्पिटल में उठा तो मुझे पता चला कि डैड के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। फिर अकेला ही हॉस्पिटल में बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है। पहली बार उनकी एंट्री होती है ड्रामे में। फिर नेक्स्ट सीन में जब दोनों बैठे होते हैं तभी मॉम कहती है डॉक्टर ने कहा डैड के पास कुछ ही दिन बचे हैं। के कहता है हाँ। फिर मॉम कहती है शायद वो चाहते हैं कि अब दर्द कम हो जाए, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। यह सुन के ये शॉक हो जाता है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है जब के अम्ब्रेला लेकर मॉम के पास आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम किसी और के साथ चली जाती है, आई डोंट नो ये कौन है। तभी फिर प्रेजेंट टाइम में के मॉम से कहता है कि आप चाहती हैं कि सबको जल्दी खत्म हो जाए। तभी मॉम कहती है कौन इस तरह से बीमार होना चाहता, ये तुम्हारे डैड के लिए काफी हार्ड समय है और तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। फिर के कहता है मॉम अब मैं क्या करूं। मॉम कहती है तुम घर जाओ और रेस्ट करो। ये लाइन उन्होंने क्यों कहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर आगे मॉम कहती है तुम अपने डैड का ख्याल रखना। अभी के गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा उदास होता है। जब वो जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि क्रीम बीच रास्ते में किसी को पीट रही होती है। क्रीम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, कुछ लोग आते हैं उसे रोकते हैं। फिर यह सब देख करके क्रीम के पास जाता है और उसे रोकता है। नेक्स्ट सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस क्रीम से पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा। विक्टिम कहती है कि वो बस बच्ची है उसे छोड़ दो मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर किकी आंटी की एंट्री होती है, वो अपना इंट्रो देती है पुलिस को। आंटी क्रीम की साइड लेती है और कहती है वो अभी बच्ची है, उसने अभी अपनी फैमिली को कार एक्सीडेंट में खो दिया है, वो बस बुरी दिखने की एक्टिंग करती है। अब के को पता चलता है कि क्रीम ऐसी क्यों है, वो लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। तभी आंटी रिक्वेस्ट करती है कि क्रीम अभी बच्ची है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनाए। फिर क्रीम हंसने लगती है, तभी आंटी कहती है क्रीम अब बस करो ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी क्रीम कहती है क्या एम्बैरेसिंग। तभी आंटी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है क्रीम अच्छे से बिहेव करो। ये सब के देख रहा होता है। फिर के वॉइस ओवर में कहता है उस रात क्रीम की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, उसके अंदर कितना दर्द है, वो कितनी अकेली है, मैं उसे समझ सकता हूँ उसे कैसा फील हो रहा है। फिर क्रीम वहाँ से जाने लगती है, जाती है के उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में क्रीम अकेली बैठी होती है। फिर के क्रीम को दूर से देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में के उसके पास जूस लेकर जाता है उसे दे
होता है। फिर के सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस दिन कार में तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली गाइस जब पहले एपिसोड में कार का एक्सीडेंट हुआ था तो सामने वाले कार में क्रीम के पेरेंट्स होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्रीम कहती है क्या फर्क पड़ता है अब कौन सा वो वापिस आ जाएंगे। तभी के कहता है मैं इस एक्सीडेंट के मुआवजे के लिए धीरे धीरे पे कर दूंगा। क्रीम कहती है व्हाटएवर। तभी के कहता है आप तो मुझे कभी भी कहीं भी पीट सकती हो। तभी क्रीम कहती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं पीटूंगी। तभी के कहता है तुम हाई स्कूल में लास्ट सेमेस्टर में ही क्यों आई, क्या तुम यहाँ पर बदला लेने आई थी। क्रीम कहती है मैं बस ये देखना चाहती थी किलर सन क्या कर रहा है। तभी के कहता है ये सब बहुत ज्यादा हॉरिबल है। तभी क्रीम कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। अभी के कहता है डॉक्टर ने कहा है मेरे डैड के पास कुछ ही दिन बचे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर तुम मुझे ये बताओ तुमने उस लेडी को क्यों पीटा। तभी क्रीम कहती है वो मेरी दूसरी मॉम है इसलिए मैंने उन्हें पीट दिया। तभी क्रीम कहती है हे मुझे भूख लगी है तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। तभी के कहता है ओके बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी क्रीम कहती है मीट। तभी के कहता है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर दोनों एक साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में के उसी टूटी हुई सीटी को देखता है जो उसके डैड ने दी थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं भले ये सीटी टूट गई हो पर ये सॉन्ग अभी गायब नहीं हुआ है। अगर कोई चीज टूट जाती है या वो खो जाती है तो वो किसी दूसरे फॉर्म में जिंदा हो जाती है। फिर डैड के का हाथ पकड़ कर उसके दिल पे रखते हैं और कहते हैं कि ये बात तुम हमेशा याद रखना के। फिर डैड वहाँ से गायब हो जाते हैं। एक्चुअली ये केक का ड्रीम होता है वो स्कूल में उठता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है। वो मॉम के पास जाता है। मॉम उसे बैड न्यूज देती है। नेक्स्ट सीन में केक दौड़ के हॉस्पिटल में जाता है। फाइनली उसके डैड चले जाते हैं। ये सब देख के केक को सदमा लग जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर के डैड के पास जाता है उनके पास ही बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डैड के लिए प्रे करता है। उसकी मॉम भी उसके साथ होती है। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम एंड के को एक साथ दिखाते हैं। मॉम उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। फिर मॉम माफी मांगती है और कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर के इमोशनल हो जाता है। मॉम टेक केयर बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी के उन्हें रोक लेता है और कहता है मॉम प्लीज मत जाओ। तभी मॉम उसे इमोशनल होकर एक बार हग कर लेती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर के से कहते हैं तुम अचानक बेहोश हो गए थे तो हमें तुम्हारे टेस्ट में कुछ अबनॉर्मलिटी पाई गई है। के कहते हैं कैसी अबनॉर्मलिटी। तभी डॉक्टर कहते हैं आई थिंक जो तुम्हारे डैड को वो तुम्हें भी है। ये सुन के शॉक हो जाता है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब के अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं क्या करूं। अभी मॉम कहती है तुम घर जाओ रेस्ट करो क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि के को भी वही बीमारी है। फिर प्रेजेंट में मॉम के को हक करते हुए दिखाया जाता है। तभी मॉम उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी के मॉम के पीछे आता है। वो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है पर मॉम नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। तभी के रोड में ही बैठकर रोने लगता है। वो बहुत रोता है। ये बहुत सैड सीन होता है। अब हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। नीचे ये सब पढ़ के बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है उसके उसे टाइट हक करके सो जाती है। नेक्स्ट सीन में यीची का बेटा केले पोहन के पास आता है। उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठता। तभी उसे एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में पोहन उठता है। जब वो बाहर आता है केले बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तभी केले उसे खाना सर्व करता है। फिर हमें पोहन का फेस दिखाया जाता है। तभी उसके फेस पे केले ने कुछ ड्राइंग की होती है। फिर यीची का बेटा केले उसे खाना सर्व करता है। दोनों खाने लगते हैं। पोहन खाने की तारीफ करता है। तभी केले कहता है तो तुम मेरे सिस्टर के बॉस हो तो आपके पास बहुत पैसा होगा। पोहन कहता है क्या। तभी केले कहता है क्या तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी पोहन कहता है आई एम सिंगल। अगर तुम अपनी बहन को रिकमेंड कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी बहन बहुत मैच्योरलेस है। तभी केले कहता है मेरी बहन को तुम्हें घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तभी ये चीज वहाँ आती है। केले बहाने मारकर उसी टाइम वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। फिर ये चीज अंदर आती है। वो पोहन का फेस देखती है और स्माइल करती है। उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी ये चीज कहती है क्या तुमने मेरे बेटे के साथ फाइट की। पोहन ये सुन के शॉक हो जाता है। उसे लगता है ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। पोहन कहता है क्या वो तुम्हारा सच में बेटा है। यीची कहती है यस। वो शॉक होता है। नेक्स्ट सीन में यीची बर्तन साफ कर रही होती है। तभी यीची कहती है कि मैंने कल के की डायरी के बारे में पढ़ा। उसमें उसकी मॉम के बारे में बताया गया था। जब से के की मॉम ने उसे छोड़कर गई तब से के ने उससे दोबारा बात नहीं की। तभी यीची कहती है तुम भी के की डायरी को पढ़ो ना शायद तुम्हें भी कुछ क्लू मिले। तभी पोहन कहता है मैं किसी की डायरी नहीं पढ़ता। फिर पोहन यीची के बर्तन साफ करने में हेल्प करता है। यीची को थोड़ा अजीब लगता है। फिर पोहन कहता है तुम्हारा बेटा तुम्हें सिस्टर क्यों बुलाता है। यीची कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तभी मुझे एक बेटा हुआ था। मैंने कभी उसके डैड के बारे में उसे नहीं बताया शायद इसलिए वो मुझे सिस्टर बुलाता है। पोहन कहता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसकी मॉम हो। तभी यीची कहती है तभी पोहन की नजर माइक्रोवेव पे जाती है जिसमें वो अपने फेस को देखता है। उसके फेस पे जो ड्राइंग की होती है केले उसे देखकर बहुत हैरान होता है। यीची कहती है आई थिंक ये केले ने किया होगा।
तभी ईची को हॉस्पिटल से कॉल आता है, वह पिक करती है। डॉक्टर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। पोहन पूछता है कि क्या हुआ, पर उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट दिन में ईची डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे केले की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये सुन के ईची बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पर हमें ऑडियंस को कुछ भी नहीं बताया जाता। ये हमें आगे ही पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा था। नेक्स्ट सीन में पोहन के की डायरी को देखता है, पर पोहन के की डायरी को पढ़ता नहीं है। फिर पोहन कंप्यूटर में फेसबुक में के की आईडी को सर्च करता है। लकली उसे के की आईडी मिल भी जाती है। फिर उसके कुछ पोस्टों को देखता है, उसमें बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी यादें होती हैं। के एन क्रीम की एक साथ काफी सारी पोस्ट होती है। तभी पोहन को एक पोस्ट मिलता है जहां वो अपनी मॉम के साथ होता है। तभी पोहन उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। लकली उनका नंबर भी मिल जाता है उन्हें, क्योंकि मॉम एक बेकरी शॉप में काम करती थी। तभी पोहन ईची को कॉल करता है और कहता है कि कल तुम मेरे साथ चलना। नेक्स्ट सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर केकी मॉम आती है। ईची को केकी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर पोहन केकी मॉम से कहता है, मैंने ही आपको मैसेज करके बुलाया था। फिर पोहन सॉन्ग के कॉपीराइट ट्रांसफर के बारे में बात करता है। मॉम कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ईची गुस्से में मॉम को घूरती रहती है। मॉम कहती है, केके सबसे ज्यादा क्लोज तो क्रीम थी, तुम उससे ही पता करो। तभी पोहन कहते हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं है। पोहन कहता है, और कोई ऐसा है जो के की सबसे ज्यादा क्लोज था? मॉम कहती है, नहीं। तभी ईची कहती है, जब से आप के को छोड़ के गई थी, तब से के ने आपसे दोबारा बात नहीं की थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर क्रीम गुस्से में के की मॉम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि आप बहुत बुरी मॉम है, आप के को अकेला छोड़कर चली गई थी। प्रेजेंट पे मॉम कहती है, क्रीम एक बहुत प्यारी बच्ची है और के बहुत अच्छा बेटा था। क्रीम ने के की लास्ट डे पे काफी केयर की थी, मैं उसकी काफी शुक्रगुजार हूँ। तभी ईची का गुस्सा फूट जाता है। वो गुस्से में कहती है, आप कभी के से मिलने क्यों नहीं गई? तभी पोहन उसे रोकता है। मॉम कहती है, क्या आप अपनी फैमिली में किसी ऐसे मेंबर की केयर कर सकती हैं जिसे ऑलरेडी कैंसर है? जब मुझे के की डैड के बारे में पता चला, तब मैंने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आपको अर्ली स्टेज से लास्ट स्टेज तक नहीं पता होता कि आप कब इस दुनिया से चले जाएंगे, आगे मॉम कहती है। वो मेडिसिन के बिल, हॉस्पिटल की फीस, ये सब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, इसलिए मैं के को अकेला छोड़कर चली गई थी। तभी ये चीज गुस्से में कहती है, आपने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आप उसके साथ कितना गलत कर रही हैं? आपने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की? तभी मॉम इमोशनल होकर कहती, तुम सोचते हो कि मैं अपने आप को ब्लेम नहीं देती? जब मुझे के बारे में पता चला तो मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रोती रही। मैं के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील करती हूँ। आगे मॉम कहती है, मैंने अपनी लाइफ में उन्हें खोया जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अभी ये चीज गुस्से में कहती है, ये आप क्या बोल रही है, आप मॉम बनना डिजर्व ही नहीं करती। यादें दिखाई जाती हैं। अब हमें ये चीज यानी उसके बेटे की कुछ प्यारी सी यादें दिखाई जाती हैं। फिर ये चीज वॉइस ओवर में कहती है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे छोड़कर नहीं जाते, जिस तरह आप अपने बेटे को अकेला छोड़कर चली गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में ये चीज गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी पोहन उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तभी ये चीज उसे बताती है, आप कहानी फ्लैश बैक में जाती है। जब ईची प्रेग्नेंट होती है तब वो हॉस्पिटल में बैठी होती है। तभी ईची अपने बॉयफ्रेंड को बहुत कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। तभी वो डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे सारा जो अबॉर्शन का सारा प्रोसेस समझा देते हैं। फिर ईची एक लास्ट टाइम अपने बीएफ को मैसेज करती है कि एवरीथिंग इज ओवर। फिर ईची डिसाइड करती है कि वो इस बेबी को जन्म देगी, वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी और एक ऐसी दुनिया बनाएगी जहां पर वो और उसका बेटा एक साथ हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ट्रे ऑफ हेवन के अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा। वेल गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू गाइस, सरंगियो।